हेलो नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मी और मेरे किचन में। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये घर का बना हुआ 100% प्योर देसी घी है जिसे मैंने घर में ही बनाया है बिना किसी झंझट के। 5 से 8 मिनट में ये तैयार हो जाता है और सिर्फ 4 से 5 दिन की मलाई में मैंने ये पूरा डब्बा भर के घी निकाला है। अगर आप इस तरह से घर में बनाएंगे घी तो कभी भी आपको बाहर का केमिकल वाला और अशुद्ध घी नहीं खरीदना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं मैं कैसे बनाऊंगी इसे। ये देखिए, मैंने 4 से 5 दिन तक दूध से मलाई निकाल के स्टोर किया है। इस मलाई को मैं एक बोल में डाल लूँगी। इसे मैंने फ्रिज में स्टोर किया था जिसकी वजह से ये काफ़ी ठंडा है और मैं इसी टेम्परेचर में इसे निकालना शुरू करूँगी ताकि ये बहुत जल्दी इसमें से क्रीम बाहर आ जाएगा। ये थोड़ा हार्ड है क्योंकि ये फ्रिज में था, तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए 102 मिनट तक मैश करूँगी ताकि इसके अंदर जो कुछ भी लम्स जमा हो गया है या सूख गया है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो मैं इस तरह से चलाऊँगी इसे। ये देखिए, ऑलमोस्ट मिक्स हो गया है। अब मैं 1 गिलास पानी ले रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूँगी और इसको चला के सॉफ्ट करूँगी। ये सॉफ्ट हो गया तो मैं इसमें पूरा पानी डाल दूँगी और इसे फेंटना शुरू करूँगी। इसे इस तरह से चलाते हुए सारे क्रीम को मिक्स कर दूंगी और थोड़ी देर से 2 से 3 मिनट इसे इसी तरह से फेंटूंगी और ये धीरे धीरे थिक होना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्रिज से निकाल के हमें बहुत ज़्यादा देर इसे बाहर नहीं छोड़ना है, बल्कि फ्रिज के से निकालने के तुरंत बाद ही इसे निकालना शुरू कर देना है। तो ये देखिए, इसका थिकनेस जो है आप देख रहे होंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि धीरे धीरे जो वाटर है वो अलग होना शुरू हो जाएगा। एक से दो मिनट इस तरह से फेंटने के बाद पूरा घी एक तरफ आ जाएगा और वाटर दूसरी तरफ चला जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से इतने कम क्रीम में, इतने कम मलाई में इतना सारा घी बाहर आ गया है, वो भी इतने कम मेहनत में। अब इस सबको मैं डायरेक्टली कढ़ाई में निकालूंगी। इसमें मैं मुझे किसी भी और बर्तन की ज़रूरत नहीं है, मुझे और बर्तन गंदे नहीं करने हैं क्योंकि एक चिपचिपा बर्तन को साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं डायरेक्टली कढ़ाई में ही डालूंगी और इसे स्टोव पे चढ़ा दूंगी। ये देखिए कितना सारा घी आ रहा है और कितना फ्रेश और हाइजेनिक तरीके से बन जाता है ये। और मार्केट वाली घी जब भी हम ख़रीदते हैं उसमें प्योरिटी की गारंटी बिल्कुल नहीं होती है। ये देखिए, ये सारा पानी बाहर आ गया है और घी कढ़ाई में है। अब मैं कढ़ाई को स्टोव पे चढ़ा दूंगी। अब इस तरह से ये मक्खन मेल्ट होना शुरू हो गया है। अभी मैं इसे फुल फ्लेम पे रखूंगी। वंस जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो ये काफ़ी ऊपर की तरफ आएगा, तो उस टाइम स्टोव मुझे मीडियम फ्लेम पे रखना है।
अब मुझे इसे मीडियम फ्लेम पे करके छोड़ देना है 2 से 3 मिनट और बीच में इसे चलाते रहना है। फ्रेंड्स, इस तरह के बहुत सारे रेसिपीज़, टिप्स एंड ट्रिक्स जो किचन से रिलेटेड है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। इससे आपको सारे नोटिफिकेशन पहले मिल जाएंगे और अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि ये मक्खन अब घी में कन्वर्ट होने लगा है, ऑलमोस्ट हो चुका है। और मैं बहुत ज़्यादा देर तक इसे नहीं बॉईल करूँगी क्योंकि स्टोव बंद करने के बाद भी ये काफ़ी देर तक गर्म रहता है और पकता रहता है, इसीलिए हमें इसे मीडियम पे ही रख के गैस को, स्टोव को बंद कर देना है ताकि हमारा घी जले नहीं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे वरना इसका जो प्योरिटी और फ्रेग्रेंस है, खुशबू है, वो चली जाएगी। हमारा घी अब रेडी है, आप जब भी चाहें इसे बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस के साथ मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।